दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं में। दोस्तों दम है तो धनतेरस के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी न दें तो मुझे बताना। हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल में जो जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और 100% लिखित के आधार पर दी जाती है। धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। धनतेरस के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। इस समय भगवान धन्वंतरी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और माता लक्ष्मी हमारी पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती है। इसलिए माँ लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण यह सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी है यह तत्काल दिखाते हैं। दोस्तों पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो माताएं बहने होती है बट सावित्री का व्रत रखती है और पीपल की पूजा करती है, बरगद की पूजा भी करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवता के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। देखिए जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ये सारे चराचर जितने भी सारी दुनिया चल रही है, कैसे चल रही है, जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहा है। तो धनतेरस के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ करके लाना है जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो मिस करती तो फिर बाद में आपको रोना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि धनतेरस पर भी एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। और मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ कि जागृत चीज ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को जड़ी बूटी के देवता कहा जाता है, धन के देवता कहा जाता है, आयुर्वेद का देवता इन्हें खास तौर पर माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों धनतेरस के समय में कोई भी पौधे को लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधे स्वयं धनतेरस के समय में भगवान धन्वंतरी के होने के कारण, दीपावली का पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस धनतेरस के समय में इन पेड़ पौधों को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पौधे को हमें धनतेरस के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधा है सहते में। अभी मैं आप लोगों को सह देवी की जानकारी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए सह देवी जो है, अगर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे कि दैहिक, दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार का आशा है, आप चाहते हैं इसे तत्काल दूर करना, तो रामबाण से भी अमोघ यह तीव्र रूप से काम करता है। सह देवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेव भी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी है, माँ है, इसलिए इस पौधे को शहीद देवी कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सह देवी का पौधा कैसा होता है तो इस प्रकार से हमारी वीडियो में देख लीजिए। इसी को कहते हैं सह देवी का पौधा। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पौधे देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीन रहती है, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर ये पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं। धनतेरस में आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेती कल्याणी में चले जाइए या फिर जो नहर वगैरह होती है या फिर जो नदी के किनारे, वहां पर ये पौधे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो फिर भी यह ढूंढने से मिल जाते हैं।
नदियों के तट पर भी बिना उगाए ही उगे होते हैं, तो आई मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताना चाहूँगा और इसे कितने टाइम लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो देखिए, हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाई और अगर तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा करके पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इससे भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ ही से लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में समर्थ वाहन है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली कही गई है। कभी इसके बारे में मैं आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखी है, जैसे कि हमारी वनस्पति शास्त्र है इसमें जानकारी लिखी है, हमारे तंत्र जो बुक है उसमें जानकारी लिखी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके अनगिनत एवं चमत्कारिक प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से बहुत से आप में से लोग बोलते हैं न कि गुरुजी हमें नींद नहीं आती, तो तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है या फिर बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमा को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्द ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, वह भी मंत्रों के माध्यम से। दोस्तों, इसकी जड़ का तिलक लगाने से यह हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी का वश करण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद पर हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने, तो इसका तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए, सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, कौन से धर्म शास्त्र कहते हैं, जैसे कि वनस्पति शास्त्र है, इसमें लिखा है कमर में बांध करके, अगर इसे कमर में बांध लिया जाए लाल कलर के कपड़े में लपेट करके और संबंध बनाया जाए तो यह विजय का स्तंभन करता है। तिजोरी में इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होती है, कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ों को रखा जाए तो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती, इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं न कि गुरुजी हमें अदृश्य शक्ति देखना है, हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार से दिखाई देगी। अदृश्य शक्ति में, जैसे कि अलौकिक शक्ति में, देवी देवता भूत प्रेत पिशाच निशाचर कई ये जो शक्तियां हैं जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये शक्तियां दिखाई देने लगती है। तो अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी है देवता है गाँव में रहते हैं तो जो ग्रामीण के देवी देवता है शहर में रहते हैं तो वहाँ पर उपस्थित जो भी भैरव है देवी देवता है तो उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी जड़ों को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। और मैं एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को कल की वीडियो में बताऊंगा। उस मंत्र से एक मंत्र आपको जाप करना होता है, इसकी जड़ को मुख में रखना होता है तो आर्द्र शिव शक्ति प्रकट होती है और जो भी आप बोलेंगे वह अदृश्य शक्ति आपको सामग्री ला करके देती है। दोस्तों, इसकी जो है इसका जो पौधा है, रात 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि यह धनतेरस और दीपावली के टाइम में रात्रिकालीन का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लाते हैं तो भगवान धन्वंतरी की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और लाकर के आपको अपने घर में से गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है, किसी भी प्रकार की आपको जो है खराब वगैरह है या फिर चप्पल वगैरह है या फिर जूते व गहरा है, यह पहल करके नहीं जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में, ध्यान से सुनना। जो दूसरा पौधा है इसे विष्णु कांटा के नाम से जाना जाता है, कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना की थी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस प्रवास किया था।
इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की शांति की प्राप्ति हुई है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णु कांटा के नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, इसे अपराजिता के नाम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके गुण ही है, यह आपके शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है, कभी भी आपको यह पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लाने से कौन कौन सी अलौकिक एवं चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, आइए जानते हैं। देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं, जैसे कि सेना वर्ग के हैं, और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, तो यह शत्रु को पराजित करता है, या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते हैं, परेशान करते हैं, तो उसकी जड़ को भी मुख में दबा करके रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं, उनकी विद्या उन्हीं पर वापस हो जाती है। इसे सिद्ध करके हाथ में बांध करके युद्ध किया जाए, और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारता है तब भी तलवार का कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मंत्र होता है, उसे आपको सिद्ध करना होता है। यह पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आप यह पौधा धनतेरस के समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों को आप साधारण मत समझना, यह जो पौधा है विष्णुकांत था, जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती है। धनतेरस में इस पौधे को घर में लगाएं से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फूल फल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन ध्यान से सुनिएगा। इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि एवं भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो धनतेरस के दिन इस पौधे के सफेद कलर के पुष्प भगवान धन्वंतरी को चढ़ा देना। हम 101% गारंटीड आपको देते हैं। इसके पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान धन्वंतरी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपकी जो कामना है कामना को सिद्ध करेंगे। यह पौधा धनतेरस में सूर्य उदय से पहले लाना होता है। इस पौधे को धनतेरस के समय में सूर्य उदय से पहले लाने का विधान है। तो दोनों पौधे लाने से पहले हमने आज की इस वीडियो में दो पौधे बताए हैं, चमत्कारी पौधे। ये दोनों पौधे धनतेरस के समय में आप किसी भी दिन ला सकते हैं। तो ये दोनों पौधे लाने से पहले उन्हें अक्षत धूप दिखाकर कि आपको इसे अपने साथ चलने की प्रार्थना करनी है। इन्हें निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है। धनतेरस के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं, बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना है। आपको धूप रख लेना है, अक्षत रख लेना है, और आपको प्रार्थना करना है कि हे औषधि महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूँ, या फिर आप ही देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए लेने आया हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना नहीं है, गरीबी मिटाने तो गरीबी बोल सकते हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति हो तो इस पौधे को बोल सकते हैं कि है वृक्ष, या फिर है औषधि महाराज के धन्वंतरी भगवान, या फिर है माता, में आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति है हेतु ले जाने आया हूँ, कृपया पूर्ण शक्ति के साथ आप मेरे साथ चले। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत चढ़ा देना है और वहाँ पर थोड़ी सी धूप दीप दिखा देना है, वहाँ पर एक दीपक जला देना है और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ कर के लिए आना और ला कर के आपको दूसरे दिन अपने घर में गमले में इसे लगा लेना है। आप यकीन माने, ये पौधे जब तक आपके घर में लगे रहेंगे आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा नहीं लगेगी, आपके घर में को लक्ष्मी कभी नहीं आएंगे, आपके घर में दुख तकलीफ एवं बार बार जो बीमारी होती है, घर परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोष लग जाता है या फिर किसी भी प्रकार का दोष लग जाते हैं, शनि दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष आदि, तो बहुत सारी बीमारी सभी प्रकार के दोषों से आपको बचाए रखने का काम करेंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। तो अगर आप भी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो धनतेरस के किसी भी दिन इन दोनों पौधों में से कोई एक पौधा अवश्य ले आएगा और अपने घर में लगाएगा। आपकी अध्यात्म उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।